नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मार्ट चंदोसी डॉट कॉम पर। मैं माधव सक्सेना मौजूद हूं आपके साथ करियर काउंसलिंग से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में। दोस्तों, आज हम जिस करियर क्षेत्र में बात करेंगे वह क्षेत्र है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। बड़े व छोटे संस्थानों में कंप्यूटर नेटवर्किंग आज कामकाज का एक आधार बन चुका है। खास बात यह है कि विज्ञान से इतर विषयों में शिक्षा प्राप्त कर चुके व्यक्ति भी कंप्यूटर नेटवर्किंग के फील्ड में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो किसी कारणवश 12वीं की पढ़ाई के बाद आगे कुछ नहीं कर पाते। ऐसे युवा कई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं जिन्हें पूरा करने के बाद उन्हें अच्छी खासी नौकरी मिल जाए। उनके लिए आईटी युग में ऐसे कई कोर्स उपलब्ध हैं जिनमें से एक प्रमुख कोर्स है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग के तहत एक कंप्यूटर को उसकी जगह या अन्य शहर या देश में स्थित कंप्यूटर से जोड़ा जाता है ताकि उनके डेटा आपस में शेयर किए जा सकें। नेटवर्किंग का काम मुख्यतः तीन तरीके से किया जाता है, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्किंग शब्द यानी जाल से बना है जिसका अर्थ है दो या अधिक चीज़ों को आपस में जोड़ना। कंप्यूटरों के संदर्भ में नेटवर्किंग का मतलब है दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को एक कंपनी, एक शहर या एक देश के विभिन्न स्थानों पर आपस में जोड़ना व उनके संस्थानों को एक्सेस करना तथा विश्व के किसी भी कोने में स्थित कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना। इंटरनेट, मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का ही नतीजा है। कंप्यूटर्स नेटवर्किंग को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है लोकल एरिया नेटवर्क, यह लैन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किसी एक इमारत में रखे कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है जिसके तहत जोड़े जाने वाले कंप्यूटर एक केबल के माध्यम से जोड़े जाते हैं और इसमें जो कंप्यूटर्स की जो दूरी है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा होने पर डाटा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसमें वायरलेस वायर दोनों तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी नेटवर्किंग में एक शहर के अलग अलग इलाकों में स्थित विभिन्न इमारतों या कंपनियों में रखे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है। इसमें सामान्यतः ऑप्टिकल केबल, फाइबर केबल, राउटर, स्विच इत्यादि उपकरण लगे होते हैं। आईटी रिवॉल्यूशन के इस युग में नेटवर्किंग बेहद जरूरी है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के मुख्य लाभ हैं रिसोर्स शेयरिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग में किसी एक उपकरण को एक या अधिक कंप्यूटर से जोड़कर उसे शेयर किया जाता है जिससे खर्च में बचत होती है। इसकी मदद से लाइव टेलीकास्ट भी किया जाता है और सूचना का आदान प्रदान भी किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क के तहत अलग अलग शहरों में या देशों में कार्यरत कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है और इसमें भौगोलिक दूरी कोई भी मायने नहीं रखती क्योंकि यह पूर्णतः वायरलेस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें कंप्यूटर्स को सैटेलाइट, राउटर, ISDN स्विच, वैन लाइनों से जोड़ा जाता है और डाटा का ट्रांसफर किया जाता है। अगला है स्टोरेज एरिया नेटवर्क जिसे बोलते हैं SAN। इसका उपयोग प्रायः बड़ी बड़ी कंपनियां तथा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों द्वारा किया जाता है जिसके तहत सर्वर स्टोरेज डिवाइसों को अनेक सर्वरों और स्टोरेज डिवाइसों से सीधा जोड़ा जाता है। छात्रों को इसमें प्रवेश की योग्यता के लिए कम से कम 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। हालांकि इन कोर्सेज को ऊंची शिक्षा प्राप्त स्कूल विद्यार्थी भी कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी इस क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त योग्यता होगी। साइंस बैकग्राउंड और कंप्यूटर के बेसिक जानकारी रखने वाले छात्रों को भी इस कोर्स को करने में सुविधा होगी। साइंस बैकग्राउंड के अलावा आर्ट्स के छात्र भी इसको कर सकते हैं। अब विद्यार्थी यह चूज करने में उनको दिक्कत होती है कि कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा और कौन सा कोर्स वो करें, तो इसमें मुख्यतः नेटवर्किंग के दो तरीके की होती है, नेशनल और इंटरनेशनल। इंटरनेशनल कोर्स के तहत वो कोर्स आते हैं जिनकी परीक्षा तथा सर्टिफिकेट अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा लिए जाते हैं। इनकी विश्व में हर जगह मांग होती है। इसमें प्रमुख हैं MCSE यानी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, CCNA यानी सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। इसके अलावा डिप्लोमा इन नेटवर्क टेक्नोलॉजी एंड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांस डिप्लोमा इन नेटवर्क टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट मास्टर इन नेटवर्क इंजीनियरिंग। आज पूरे विश्व में कंप्यूटर का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है और उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि नेटवर्क इंजीनियरिंग में अपार संभावना है। ऐसी स्थिति में आने वाले दशक में भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लाखों स्किल्ड लोगों की आवश्यकता होगी। छोटी बड़ी कंपनियों में नेटवर्क इंजीनियर
नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, टीम लीडर, टेक्निकल हेड, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, सिस्टम एनालाइजर आदि ऐसे जॉब हैं जिनकी संभावनाएं बनी हुई रहती हैं। स्वरोजगार की दृष्टि से यदि इस कोर्स को देखें तो आने वाले भविष्य में घर घर में कंप्यूटर होंगे। जिस रफ्तार से कंप्यूटरों की संख्या बढ़ रही है और इस क्षेत्र में कंप्यूटरीकरण हो रहा है, उसे देखते हुए सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में क्या क्या मांग रहेगी। कंप्यूटर को ठीक करना, सर्विसिंग करना, असेंबलिंग करना और कंप्यूटर को रिपेयर करना, उसे अपग्रेड करना, ये काम करके आप इसका कारोबार भी कर सकते हैं। शुरुआत में बैंक से लोन लेकर आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। यदि वेतन की बात करें तो शुरुआती दौर में आपको 10 से 15,000 रुपये मिलेंगे, जो कि बढ़कर धीरे धीरे 40,000 रुपये प्रति माह तक इसकी मैक्सिमम सैलरी आप ले सकते हैं। इस कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो में कमेंट करके पा सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।